नमस्ते, मैं हूँ शेफ सक्षम शर्मा और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। तो बहुत बहुत धन्यवाद, पहले तो आप सभी ने मेरी इन वीडियोस को जो पहले आपने देखी बहुत ज़्यादा प्यार दिया, मेरे को उम्मीद नहीं थी उतना प्यार दिया आपने। तो आज मैं आप सभी के सामने लेके आ गया हूँ बहुत ही बढ़िया चिकन की रेसिपी, जिसे कहते हैं मुर्ग शेखावटी। राजस्थान की सबसे बेहतरीन चिकन करी की रेसिपी है, बहुत आसान है, गिने चुने इंग्रेडिएंट्स है, प्याज है, दही है, अपना साबुत लाल मिर्च है, देसी घी है, जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, धनिया है और हरी मिर्च है। बस चलिए शुरू करते हैं। प्याज ले लेंगे, इसको 1/4 करना है, बहुत ही आसानी से इसको बस 1/4 या फिर रफली चॉप कर लीजिए, क्योंकि हम पीसेंगे प्याज को। पांच मीडियम साइज प्याज ले लिए, इसको हम रफली चॉप कर लेंगे और इसको हम अच्छे से बारीकी से पीस लेंगे। प्याज हमने अपनी पीसने के लिए दे दिए, अब हम गैस ऑन कर लेंगे और इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे ऑयल, बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डालना है घी को बैलेंस करने के लिए, ताकि घी हमारा जले ना। इसके अंदर हम डाल देंगे हमारा देसी घी, हमारा घी हीट अप हो गया है, अब हम इसके अंदर अपनी साबुत लाल मिर्च डाल देंगे, थोड़ी इसको चटकने के लिए देंगे बढ़िया से। हमारे प्याज पीस के आ गए हैं, थैंक यू सो मच, और हम इसको डाल, हमने अपने प्याज इसके अंदर डाल दिए। अब हम जब ये थोड़ी सी ब्राउन होनी स्टार्ट होगी तब हम इसके साथ हमारे चिकन की भुनाई करेंगे। साथ में हमने हमारी दही ले रखी है, दही को अच्छे से फेंट के रख लेंगे, क्योंकि अगर आपने बिल्कुल साबुत ऐसी दही ले ली तो वो डालने के बाद फट जाएगी, तो इसलिए इसका एक बेस्ट ऑप्शन है आप उसको थोड़ा फेंट के रख लें। अमेजिंग रेसिपी है, अलग अलग जगहों की डिशेस होती है और हर एक स्टेट में अलग अलग तरीके से चिकन करी बनाई जाती है, हर स्टेट की अलग ही स्पेशलिटी है, ये राजस्थान की स्पेशलिटी है। थोड़ी खाने में नॉर्मल बाकी चिकन करी से थोड़ी स्पाइसी भी होती है, थोड़ी खटास भी होती है इसके अंदर। मैंने इसके अंदर पिसे हुए प्याज यूज़ करे हैं, आप चाहे तो इसके अंदर स्लाइसेस भी यूज़ कर सकते हैं, बट पिसे हुए प्याज का बहुत अलग ही फ्लेवर है, क्योंकि ये धीरे धीरे करके अपना पूरी डिश के अंदर फ्लेवर छोड़ता है और धीरे धीरे इसकी भुनाई होती है, क्योंकि प्याज पिसने के बाद अपना पानी भी छोड़ता है। और अगर आपको उसको थोड़ा जल्दी भूनना है आप इसके अंदर थोड़ा सा नमक भी ऐड कर सकते हैं, बट आप इसी तरीके से अगर इस डिश को बनाएं तो ज़्यादा बेटर है। अब जैसे ही हमारी प्याजें जो हैं वो इसके अंदर थोड़ी सी ब्राउन होने लगेगी हम अपना इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे, क्योंकि प्याज के साथ चिकन की भुनाई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा सा अगर आप चाहें तो इसके अंदर पानी लगा सकते हैं, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा, अगर आपको लग रहा है कि आपका मसाला जो है वो चिपक रहा है, थोड़ा सा आप इसके अंदर पानी लगा सकते हैं। जैसे ही हमारा चिकन प्याज के साथ थोड़ा लटपटा हो जाएगा तब उसके बाद हम इसके अंदर अपना जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर लेंगे, इसको अच्छे से बढ़िया तरीके से मिक्स करना है। राजस्थान के खाने की है ना खासियत उसके स्पाइसेस, उसकी मिर्चियाँ, ये सब है, और मेरे को स्पेशली खुद से ही राजस्थान के खाने से ना कुछ ज़्यादा ही लगाव है। अगर आप लोग जो भी मेरी वीडियो देख रहे हो और कुछ लोग राजस्थान से हो तो ज़रूर इस वीडियो पे अपना प्यार बताना,
और जितना मुझे आता है मैं उतना बना रहा हूँ, आपको शायद मुझसे कहीं ज़्यादा ही आता हो। तो अगर मेरी कुछ गलतियाँ हैं तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, अब हम इसके अंदर अपने मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे देगी मिर्च। देगी मिर्च के साथ थोड़ा सा पहले इसको एक बार एक मिक्स दे देंगे। अब हमने जैसे ही इसके अंदर देगी मिर्च डाली, देगी मिर्च को चलाने के बाद उसके बाद हम इसके अंदर थोड़ी सी सबसे पहले हल्दी डालेंगे। बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी डालनी है ताकि देगी मिर्च का कलर थोड़ा सा उठ जाए। उसके बाद हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा धनिया ज़्यादा भी कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा ज़्यादा पसंद है तो, और नमक। अगर नमक आपने पहले भी डाला है प्याज भूनते टाइम तो थोड़ा कम ही रखना, नहीं तो नमक ज़्यादा हो जाएगा। इसको हम अच्छे से भून लेंगे, मिक्स करेंगे पहले, और मसालों को हम अपने भूनने देंगे। जब आप मसाले भून रहे हो, अगर मसालों की जैसे आपकी ग्रेवी थोड़ी सी थिक हो जाए तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आपके मसाले भुनने के बजाय जल जाएंगे। जैसे मसाले भुनने की आपको खुशबू आने लगे तब आपको दही इसमें ऐड करनी है। राजस्थान की डिशेस की है ना खासियत, मैंने अभी पहले ही बताया, उनके मसाले, उनके इंग्रेडिएंट्स, जैसे ख़ास तौर पे उनकी मिर्च मथानिया। अगर आप इस डिश में मथानिया ऐड कर दोगे तो इस डिश का जो अभी जो टेस्ट है उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क आ जाएगा, क्योंकि उस मिर्च का फ़र्क ही इतना ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि अभी हम जैसे इसके अंदर ग्रीन चिलीज़ ऐड करेंगे तो उसमें अगर आप मथानिया उसमें ऐड करेंगे तो डिश का मज़ा ही अलग हो जाएगा, मथानिया ग्रीन वाली। जैसे हमारे मसाले पक जाएंगे और तेल थोड़ा सा साइड में आ जाएगा तब हम इसके अंदर अब हमारी दही डालेंगे। दही डालने के बाद इसको बिल्कुल सिम पे करके अच्छे से पकने देना है जब तक दही की एक लैक्टिक स्मेल जो होती है वो चली ना जाए। बेसिकली मैं आपको एक चीज़ बताऊँ ना, तो हम इंडियन कुकिंग में बहुत देर तक चिकन को पकाते रहते हैं क्योंकि हमें ग्रेवी के साथ उसे पकाना होता है, कभी बिरयानी की ग्रेवी के साथ उसे पकाना होता है। तो इंटरनेशनली जो हमारा चिकन बनता है वो सिर्फ और सिर्फ 19 मिनट लेता है पकने के लिए, जो उसका इंटरनेशनल कुकिंग टाइम है वो सिर्फ और सिर्फ 19 मिनट है और उसमें आपका चिकन रेडी हो जाता है। बट हम इंडियंस हैं, हमें देर तक कुकिंग करने की आदत है जब तक चीज़ बिल्कुल हड्डी ना छोड़ दे, लेकिन बिल्कुल गलाना भी नहीं है, थोड़ा एक फ्लेवर है उतना रखना है। अब मैं इसके अंदर हरी मिर्चें ऐड कर रहा हूँ थोड़ा अपना टेस्ट देने के लिए। बाकी मैं आपको फिर से वही बता रहा हूँ, अगर आपके पास मथानिया मिर्च है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं, ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाएगा डिश में। आपने चिकन करी को 20 से 25 मिनट के लिए पकाना है और जब आप उसके अंदर दही डाल देंगे तब उसके बाद उसको 10 मिनट के लिए ढक के छोड़ भी सकते हैं। अब हमारी चिकन करी ऑलमोस्ट बन के रेडी है, हमने अपना धनिया चॉप कर लिया है। इसके अंदर पहले हम हमारी कसूरी मेथी को डालेंगे। हम
हमने हमारी चिकन करी के अंदर थोड़ा सा लास्ट में थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। और अगर आप इसको बहुत ज़्यादा रिच बनाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर थोड़ा सा काजू और बादाम का भी पेस्ट डाल सकते हैं, जिससे इसके अंदर थोड़ी सी रिचनेस आ जाएगी, लेकिन उससे थिकनेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। बाकी जैसे मैंने इसके अंदर दही डाली, आप इसके अंदर टमाटर का भी यूज़ कर सकते हैं, बट इसके अंदर थोड़ी खटास ज़्यादा होती है इसलिए मैंने इसके अंदर दही यूज़ करी है। टमाटर का मैंने इसमें यूज़ करा ही नहीं है। धनिया हमने डाल दिया, अब इसको फाइनल टच देंगे बिल्कुल। इसको बस 1 से 2 मिनट और इसको पकाना है और हमारी चिकन करी बनके रेडी है। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। आप सबने ये डिश एक ना एक बार ज़रूर अपने घर में ट्राई करनी है, और बैचलर्स के लिए तो ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। बहुत ही आसान रेसिपी, गिने चुने मैंने 2-3 ही मसाले डाले हैं और कोई भी इसको बड़ी आसानी से बना सकता है। और अभी हम इसकी टेस्टिंग भी करेंगे। आई एम श्योर जो इसकी फ्रेगनेंस मेरे को आ रही है उस हिसाब से बहुत अच्छी बनी है। बाकी इसको आप राइस के साथ भी खा सकते हैं, आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं। मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी बनी है। बाकी जब आप अपने घर में सेम रेसिपी के साथ एक बार ट्राई करेंगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और बाकी तब तक प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और अगली वीडियो में ज़रूर मिलते हैं। बाकी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको नेक्स्ट रेसिपी में और क्या चीज़ चाहिए। थैंक यू सो मच।